अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, पार्ट वन में हमने आपको कुछ लेजेंड्स प्लेयर्स का बताया था जिन्हें फेयरवेल मैच नहीं दिया गया था, उसी का पार्ट नंबर टू आज हम आपकी पेश खिदमत लेकर हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, नंबर तीन पर 150 किलोमीटर पर आवर रफ्तार से बाल करने वाले वकार यूनस, जिन्हें 2004 में अपने कैरियर का इख्तिताम करना पड़ा, इनका ये फैसला पाकिस्तान टीम और वर्ल्ड कप के लिए एक बहुत बड़ा दजका था। इनके इस फैसले में नाराज़गी साफ नमाया थी। साल 2003 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की बदतरीन हार इनके कैरियर पर फुल स्टॉप लगा गई थी। इवेंट के बाद इन्हें ना सिर्फ कप्तानी बल्कि टीम से भी फारिग कर दिया गया था, जो इनकी शान के ख़िलाफ़ था। ये कुछ अरसा तक डोमेस्टिक लेवल में खेलते रहे ताकि इन्हें इंडिया के खिलाफ सीरीज में खिलाया जाए, मगर सेलेक्टर्स ने इन्हें नज़रअंदाज कर दिया और इन्हें नम आंखों के साथ क्रिकेट को अलविदा कहना पड़ा। नहायत अफसोस के साथ इन्हें एक फेयरवेल मैच जो मिलना चाहिए था वो नहीं दिया गया। नाज़रीन, नंबर फोर पर एबी डिविलियर। अगर जनरल नॉलेज का ये सवाल आपसे पूछा जाए कि दौरे हाजिर का सबसे बड़ा क्रिकेटर कौन है, नाज़रीन बरमला ये कहा जा सकता है कि बिलाशुबा एबी डिविलियर। इनके स्टाइल, एग्रेशन, शॉट सिलेक्शन टेक्निक और अंडर प्रेशर खेलने में एबी डिविलियर का कोई भी सानी नहीं। ये वही हैं जिन्होंने अफरीदी का तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ा था। इनके मजमू रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। नाजरीन, 2004-5 में इंटरनेशनल मैच में डेब्यू करने वाले एबी का कैरियर 2017 में वक़्त से पहले ख़त्म हो गया। साल 2017 में एबी ने कप्तानी से बैक स्टेप किया तो सेलेक्टर्स ने इनसे नज़रें फेरना शुरू कर दी, जो इनके शायान शान हरगिज़ नहीं था। नाजरीन, बिल आखिर 2018 में एबी ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। सबको लगता था कि ये 2019 का वर्ल्ड कप और 2020 का T20 वर्ल्ड कप खेल सकते हैं, मगर एबी की काबिलियत के ब्रिके से पामली की गई और इन्हें फेयरवेल मैच भी नहीं दिया गया, जो इनके लिए अफसोसनाक था। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।